Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. आज हम इस ये जो आपको मटका सा नजर आ रहा है, इसमें मैंने ये जो रख दिया सीधी अच्छा लग रहा था, ये रखा हुआ था. अब इसके अंदर मैं अपना होममेड कंपोस्ट बनाने वाला हूँ. तो हम इसको यूज़ करेंगे उसके अंदर और फिर आपको बताता हूँ क्या क्या डालने से. ये मैंने बिल्कुल खाली कर लिए, इसके अंदर और बनी हुई ये मैंने बिल्कुल निकाल लिया. अब इसको मैं अपने कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ करूँ. अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें तीन चीज़ें चाहिए. सबसे पहले अपना किचन का वेस्ट, जो कि मैंने यहाँ पर जमा करके रखा हुआ है. ये बॉटल्स भी आपको बनाना सिखाएंगे कि ये मैंने कैसे अपनी ऑयल की बॉटल से ये वेस्ट जमा करने का बनाया. और ये रहा थोड़ा सा, ये मैंने सुखा लिया था पहले. और अपने जो प्लांट्स के आपके डेड लीव्स होते हैं वो, और थोड़ी सी मिट्टी चाहिए. सही है, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले ये अपना किचन का वेस्ट डाल देना है. इसके बाद जो है थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे इसके अंदर हम. मिट्टी डाल दी हमने थोड़ी सी इसके अंदर, फिर आप अपने लीव्स डाल दें. जो मैंने यहाँ पर पहले से जमा करके रखे हैं वो आपने ये लीव्स डाल दें. इससे आपका कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो बनेगा, जो कि आपके कंपोस्ट बनाने में बहुत हेल्पफुल है. फिर आपने बचा हुआ और वेस्ट डाल देना. अब इसके अंदर आप देख लें क्या क्या है. मैंने इसके अंदर जो है वो चिकन की थोड़ी बोटियाँ भी हैं, और ये भिंडी है, ये एग शेल्स हैं, डबल रोटी, जो कुछ भी बचता है आपका किचन में वो डाल देना इसके अंदर. फिर दोबारा से आप इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे. गार्डन सॉइल यूज़ करने के लिए दोबारा से अपने डेड लीव्स डालिए. तो अब इसके अंदर एक और जो चीज़ रहती है वो है हमारी योगर्ट. थोड़ा सा हम योगर्ट का पेस्ट बना के डाल देंगे और इसे ढक देंगे एक महीने तक. फिर एक महीने बाद हम चेक करेंगे इसे, तो हमारा कंपोस्ट बन जाएगा. ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि एक तो आप घर में बना सकते हैं, और अपना जो किचन का वेस्ट है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है आपका, तो आप घर ही में यूटिलाइज कर सकते हैं. ओके, सी यू सून.